हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, वन इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड सेकेंड इज कलर कोड। ओके, नाउ पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज बेसिकली अ सेटअप टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ना एक तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट? व्हीटस्टोन ब्रिज से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, फिर आप मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज अनदर सेटअप यूजिंग विच यू कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू सी दिस सर्किट, दिस इज सिमिलर टू योर व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। ओके, अच्छा, यहां पे इन दो पॉइंट्स के बीच में यू हैव अ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ऐसा है कि ये दोनों साइड्स पे डिफ्लेक्शन देगा। सी, दो टाइप के गैल्वेनोमीटर्स होते हैं। आइदर जिसका जीरो लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो फिर वो आपको डिफ्लेक्शन एक ही साइड पे देगा, या फिर दूसरा गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है जिसका जीरो सेंटर में होता है, ताकि करंट अगर जो एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, करंट दूसरे डायरेक्शन से आ रहा हो तो गैल्वेनोमीटर दूसरे साइड पे डिफ्लेक्शन देगा। यह आया आप लोगों को समझ में? सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि दिस इज अ गैल्वेनोमीटर जिसका जीरो जो होता है वो मिडल में होता है, एंड इट विल गिव यू डिफ्लेक्शन ऑन द बोथ साइड्स। ओके, नाउ पी क्यू, ये जो दो रेजिस्टर्स होते हैं पी क्यू एंड और एक रेजिस्टर आर, दीज आर एडजस्टेबल रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू हमें पता है, हम लोग इनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। S जो होता है, S इज बेसिकली आर अननोन रेजिस्टेंस। ओके, S जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट दिस अननोन रेजिस्टेंस? सो व्हाट वी डू इज, ओके, सो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। सो मैं आपको पहले तो प्रोसीजर समझाऊंगा। सो P एंड Q, दीज आर कॉल्ड एज योर रेशियो आर्म्स। P and Q are ratio arms. So basically आप यहां पे P and Q का resistance value इस तरह से arrange करते हो ताकि P upon Q either it is equal to 1 or it is equal to 10 or it is equal to 100. समझ में आया आपको? तो अब P and Q ये जो दो है, आप इनके values, absolute values हमारे लिए important नहीं है। What is important is the ratio. Ratio is more important to us. Okay. सो फर्स्ट केस में, स्टेप वन में, ओके, आप पी बाय क्यू, आप ये रेशियो 1:1 का देते हो। सो लेट्स से यू हैव अ 10 ओम रेजिस्टेंस ओवर हियर, यू विल ऑल्सो हैव अ 10 ओम रेजिस्टेंस ओवर हियर। ओके, नाउ अब क्या करते हो आप, जैसे ही करंट पास कराओगे तो ऑब्वियसली ये ब्रिज बैलेंस तब होगा जब पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ओके, एंड अगर जो P एंड Q इक्वल है तो R और S भी इक्वल होने चाहिए, बट हमें S की वैल्यू पता ही नहीं है ना, तो आप R की वैल्यू एग्जैक्टली क्या दोगे? आपको नहीं पता, तो आप ट्रायल एंड एरर करना स्टार्ट करोगे। ओके, सो लेट्स से यू स्टार्ट ऑफ विथ वैल्यू ऑफ R। आपको मान लो S के बारे में बस इतना पता है कि S की जो वैल्यू है ये 1 और 10 के बीच में। लेट्स से यू नो दिस, द वैल्यू ऑफ S इज बिटवीन 1 एंड 10 ओम्स। ओके, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। सो आप क्या करोगे स्टेप वन में, यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर वन स्टेप एट अ टाइम, विथ वन ओम एट अ टाइम। ओके, सो मान लो आर की वैल्यू पहले 1 ओम ली, आपका गैल्वेनोमीटर ये साइड पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। R की वैल्यू 2 दी, गैल्वेनोमीटर ये साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। R की वैल्यू 3 दी, गैल्वेनोमीटर 1 तो सेम साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। R की वैल्यू 4 दी, गैल्वेनोमीटर अभी भी सेम साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। बट आप देख रहे हो कि डिफ्लेक्शन कम है। व्हेन यू हैड वैल्यू ऑफ R एज 1, गैल्वेनोमीटर नीडल बहुत डिफ्लेक्ट हुआ। वैल्यू ऑफ R एज 2, गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। यहां पे R की वैल्यू 3 ओम से गैल्वेनोमीटर और कम डिफ्लेक्ट होगा। आप R की वैल्यू 4 लोगे, गैल्वेनोमीटर और कम डिफ्लेक्ट होगा। R की वैल्यू 5 लो, गैल्वेनोमीटर बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है। R की वैल्यू 6 लो एंड गैल्वेनोमीटर ये साइड पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो व्हाट यू हैव रियलाइज्ड इज बिटवीन 5 एंड
between R equal to 5 ohms and R equal to 6 ohms somewhere null deflection is obtained. Is obtained. राइट एग्जैक्टली कब नल डिफ्लेक्शन ऑप्टेन होगा वो हमें नहीं पता, बट आपको ये पता है कि R इक्वल टू 5 ओम्स पे डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड पे था, मतलब मान लो कि करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है एंड R इक्वल टू 6 ओम्स पे डिफ्लेक्शन ये डायरेक्शन में है, तो अब करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो एक ऐसे कोई तो वैल्यू ऑफ R होगी ना कि जहां पे आपका करंट जीरो हो चुका होगा, एंड दैट वैल्यू ऑफ R विल बी बिटवीन 5 एंड 6 ओम्स, करेक्ट. सो एट दैट वैल्यू ऑफ आर, मतलब जब, सो फॉर नल डिफ्लेक्शन आई कैन से पी बाय क्यू शुड बी इक्वल टू आर बाय एस, देयर फॉर पी बाय क्यू इज वन, दिस इज इक्वल टू आर बाय एस, सो एस इज इक्वल टू आर, ओके. And this is the value of R. ये R क्या है? Value at which null deflection is obtained. Okay. And हमें ये पता है कि null deflection is obtained somewhere between 5 ohms and 6 ohms. So at least हमें ये पता है, therefore S is somewhere between 5 ohms and 6 ohms. Okay. अब हमें बस इतना ही पता चला है कि S की वैल्यू जो है that is somewhere between 5 ohms and 6 ohms. अच्छा अब जाते हैं स्टेप 2 पे. Okay. वेन वी गो ऑन टू स्टेप टू, ओके. अब ना हम लोग ये जो रेशियो ऑम्स में रेजिस्टेंसेस है वो रेशियो पहले जो हमने 1:1 एडजस्ट किया था, अब 10:1 का ये रेशियो एडजस्ट करेंगे. सो मान लो कि यहां पे रेजिस्टेंस आप रखो 100 ओम्स एंड यहां पे आप रेजिस्टेंस रखो 10 ओम्स, तो 100/10 ये रेशियो 10:1 का आ जाएगा. सो स्टेप टू में पी एंड क्यू आर एडजस्टेड, to have the ratio of P by Q as 10:1. ये ratio adjust किया जाता है. Okay. Now, let me write this. So, P by Q is equal to R by S for null deflection. For null deflection. Okay. So, therefore, I can say this. R is equal to P by Q into S. So R is equal to, ये null deflection आपको कब मिलेगा, ये कौन से R के value के लिए आपको null deflection मिलेगा, that is what we are trying to find out. ये unknown resistance है. R is something that you can vary. तो पहले तो हम लोगों ने 1 1 क्या कहते हैं 1 ohm 1 ohm इस interval में हम लोगों ने increase किया. अब ना हम लोग और एक्यूरेसी दे लाना चाहते हैं. सो हमें ये पता है कि जो S की वैल्यू है, जो अननोन रेजिस्टेंस है, दैट इज समवेयर बिटवीन 5 एंड 6, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी उसके लिए अब और एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग ये चीजें करते हैं. सो अब आपको R P by Q, वी नो दैट P by Q इज इक्वल टू 10, सो P by Q विल बी 10 इंटू S. नाउ S की वैल्यू 5 ओम्स एंड 6 ओम्स के बीच में, सो देयरफॉर R will be between S की 5 ohms डालोगे तो 50 आएगा, 6 डालोगे तो 60. So R will be between 50 ohms and 60 ohms. So what we know is, अब आप ये समझो कि what we know is कि आप ना अब यहां पे R की values change करना start करो 50 और 60 के बीच में, तो बीच में कभी तो null deflection आपको मिलेगा. हमने P by Q ये रेशियो 10:1 रखा है, करेक्ट. तो आपने R 50 रखा मान लो, तो 50 पे ये मान लो आपका डिफ्लेक्शन इसी साइड पे मिल रहा है,
फिर आप 51 कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन इसी साइड पे मिल रहा है बट थोड़ा कम मिल रहा है। 52 के लिए मान लो डिफ्लेक्शन इसी साइड पे आ रहा है, 53 के लिए डिफ्लेक्शन इस साइड पे आ रहा है, 54 के लिए भी डिफ्लेक्शन राइट साइड पे आ रहा है एंड 55 के लिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सो व्हाट इट मींस इज कि आर इक्वल टू 54, जब आर की वैल्यू 54 ओम्स है, फॉर आर इक्वल टू 54 डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, इज टूवर्ड्स राइट एंड आर इक्वल टू 55 ओम्स, ये जो डिफ्लेक्शन है इज टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, सो विच मीन्स आपको नल डिफ्लेक्शन जो है वो नल डिफ्लेक्शन आर की वैल्यू जब 54 और 55 के बीच में होगी उस टाइम पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। सो फॉर नल डिफ्लेक्शन, फॉर नल डिफ्लेक्शन आर शुड बी समवेयर बिटवीन 55 ओम्स एंड 54 ओम्स, करेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट दिस रिलेशनशिप, योर एस, आप एस को यहां पे ऐसे लिख सकते हो ना, एस इज सिंपली इक्वल टू आर बाय 10। तो अगर जो आर की वैल्यू 55 और 54 के बीच में है, सो देयर फॉर वैल्यू ऑफ एस ये क्या होगी, एस विल बी बिटवीन आर बाय 10, 55 बाय 10 दैट इज 5.5 एंड 54 बाय 10 दैट इज 5.4 ओम्स। सो नाउ लुक एट दिस, स्टेप वन के बाद हमें बस ऐसे ही पता चला कि एस इज समवेयर बिटवीन 5 ओम्स एंड 6 ओम्स, करेक्ट। स्टेप टू के बाद हमें यह पता चला कि एस की वैल्यू जो है इट इज बिटवीन 5.4 एंड 5.5, और एक्यूरेट हो गए ना हम लोग। सो पहले तो ऐसे था कि लेट्स से मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमें फर्स्ट स्टेप के बाद यह पता चला कि जो एस की वैल्यू है वो इन दो नंबर्स के बीच में कहीं पे तो लाई कर रही है इस इंटरवल में। स्टेप टू के बाद हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि एस की वैल्यू जो है ये 5.4 एंड 5.5 के बीच में। तो आप और एक्यूरेट, हम लोग और, हमें और एक्यूरेसी मिल गई ना कि नाउ वी नो एग्जैक्टली एस इज समवेयर बिटवीन 5.4 एंड 5.5। ये इंटरवल छोटा हो गया, वी आर मोर सर्टन नाउ, श्योरिटी और बढ़ गई है। मान लो आपको और श्योरिटी बढ़ानी हो तो आप क्या करोगे, सी श्योरिटी बढ़ाने के लिए हमने P बाई क्यू का रेशियो 10:1 किया। अब मान लो श्योरिटी आपको और बढ़ानी है, आप क्या करोगे, सो हम लोग जाएंगे स्टेप थ्री। अब P बाई क्यू ये जो रेशियो है यू विल कीप दिस एज 100:1। So therefore P by Q is equal to R by S for null deflection. Correct. Now P by Q ये 100 है, this is equal to R by S. So therefore R is equal to 100S. अब आपको S की वैल्यू पता है 5.5 एंड 5.4 के बीच में, तो देयरफॉर फॉर नल डिफ्लेक्शन आर शुड बी बिटवीन 100 टाइम्स एस 550 ओम्स एंड 540 ओम्स। ओके नाउ सो आप क्या करोगे, आप 541 से स्टार्ट करोगे, मेक वैल्यू ऑफ आर एस 541 ओम्स, आपको डिफ्लेक्शन राइट की तरफ आ रहा है 542 राइट की तरफ आ रहा है, 543 राइट की तरफ आ रहा है, 544 राइट की तरफ, 545 राइट की तरफ, 546 राइट की तरफ एंड 547 लेफ्ट की तरफ। तो 546 ओम्स के लिए डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है एंड 547 ओम्स के लिए डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो नल डिफ्लेक्शन कब मिलेगा, जब आर की वैल्यू इज बिटवीन 546 एंड 547।
सो आई कैन से, ये मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि व्हेन आर इज इक्वल टू 546, डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, इज टूवर्ड्स राइट, एंड व्हेन आर इज इक्वल टू 547, डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, एक केस में डिफ्लेक्शन जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, एंड 547 के लिए डिफ्लेक्शन जो है लेफ्ट हैंड की तरफ है। सो फॉर नल डिफ्लेक्शन, राइट, फॉर नल डिफ्लेक्शन आई कैन से आर शुड बी समवेयर बिटवीन 547 एंड 546। अच्छा, अब अगर जो आप एस को देखोगे तो एस कैन बी रिटन एज आर बाय 100, राइट। सो इफ एस इज इक्वल टू आर बाय 100, तो देयरफॉर एस की वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में होगी? 547 बाय 100, दैट इज 5.47 ओम्स एंड 5.46 ओम्स। समझ में आ रहा है? और हमें एक्यूरेसी मिल रही है, वी आर गेटिंग मच मोर एक्यूरेसी। सो इनिशियली वी जस्ट न्यू की वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज बिटवीन 5 एंड 6, फिर हमें ये पता चला कि इट इज बिटवीन 5.4 एंड 5.5। अब हमें और श्योरली पता है कि इट इज बिटवीन 5.46 एंड 5.47। सो आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि हाँ, एस की वैल्यू आई इधर 5.46 एंड 5.47 के ही बीच में। ठीक है, तो आपको और एक्यूरेसी मिल रही है ना। सो बेसिकली ये करने के लिए हम लोग ये जो रेशियो आर्म्स है, रेशियो आर्म्स में रेशियो हम लोग धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं। इनिशियली रेशियो 1:1 का आप रखते हो, उसके बाद आप 10:1 का रखते हो, एंड उसके बाद आप जो रेशियो है वो 100:1 का रखते हो। अब मान लो आपको और एक्यूरेसी चाहिए, तो आप क्या रेशियो रखोगे? 1000:1। बट जब आप 1000:1 रेशियो रखते हो ना, तो मतलब मान लो कि 1000:1 कैसे आएगा कि आपको रेजिस्टेंसेस बहुत बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जब आप रेजिस्टेंस बहुत बढ़ाते हो तो ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है बहुत बढ़ जाता है, एंड जब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका ओवरऑल करंट बहुत कम हो जाता है। तो नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना, वो सारी चीजें, दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, सो नॉर्मली यूजिंग पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड यू कैन फाइंड, यू कैन गेट एक्यूरेसी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सी अप टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ओके। अब मैं एक आपको डायग्राम दिखाता हूं, प्लीज आप फिर आपके बुक्स में वो डायग्राम बना देना। ओके, सो ये आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स का सेटअप है। सो ये जो आपको एस का शेप दिख रहा है, यहाँ पे ना अलग अलग कीज होती है जिनको हम लोग रेजिस्टेंस कीज कहते हैं, एंड वो कीज निकाल के इंसर्ट करके आप रेजिस्टेंसेस एडजस्ट करते हो। नाउ ए एंड सी के बीच में ये पी लिखा हुआ है, एंड सी एंड बी के बीच में ये क्यू लिखा हुआ है। तो आप हमारा अगर जो डायग्राम देखोगे तो हमारा डायग्राम भी ऐसा ही है, ए एंड सी के बीच में पी है एंड सी एंड बी के बीच में क्यू है। देखो यहाँ पे ये क्यू है। ओके, अननोन रेजिस्टेंस जो है दैट इज बिटवीन बी एंड डी, तो ये बी है एंड ये डी है। इन दो पॉइंट्स के बीच में यू हैव अननोन रेजिस्टेंस, एंड ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं एक एक से जो हम लोग बढ़ाते हैं, दैट इज बिटवीन ए एंड डी। सो ए एंड डी, सो दिस इज ए एंड दिस इज डी, तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है दिस इज दिस रेजिस्टेंस आर। नाउ पी एंड क्यू दीज आर योर रेशियो आर्म्स, यहाँ पे आप फिक्स कर देते हो, मतलब 10 ओम्स 10 ओम्स तो 1:1 का रेशियो होगा, 100 ओम्स 10 ओम्स तो 10:1 का रेशियो होगा, 1000 ओम्स 10 ओम्स तो 100:1 का रेशियो होगा। तो ये हम फिक्स कर देते हो, आप फिर फिक्स करने के बाद इसको चेंज नहीं करते हम लोग, एंड ये आर जो है ये धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करता है। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर देखो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, सी एंड डी के बीच में। सी इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ रेशियो आर्म्स। अच्छा, एंड ये अपोजिट एंड डी है, तो यहाँ पे डी इज द पॉइंट बिटवीन आर एंड एस। तो आप खुद ही देखो ये एस है एंड यहां से ये आर स्टार्ट होता है, तो डी इज द पॉइंट बिटवीन एस एंड आर।
ना आप जो गैल्वेनोमीटर है वो सी एंड डी के बीच में कनेक्ट कर रहे हो, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सी एंड डी के बीच में कनेक्ट हो रहा है, तो यहां पे ये जो आपका पॉइंट सी है एंड फिर ये गैल्वेनोमीटर एंड ये डी, ओके। एंड अब जो बैटरी है वो बैटरी आप ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हो, तो यहां पे देखो बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में ये बैटरी कनेक्टेड है, ओके। देर आर टू कीज के वन एंड के टू, ओके। नाउ जब आपको सेटअप स्टार्ट करना है तो सबसे पहले व्हाट यू वुड डू इज यू विल प्रेस के टू, आप के टू प्रेस करोगे ताकि सर्किट के अंदर करंट डेवलप हो जाए, एंड फिर आप के वन प्रेस करोगे ताकि बस जो मेजर हो पाए कि कितना करंट पास हो रहा है वही आप मेजर करोगे, ओके। प्लीज यू विल नेवर डू दिस, आप अदर वे राउंड नहीं करोगे, के वन के बाद के टू नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज फर्स्ट प्रेस के टू, बैटरी क्लोज मतलब ये मेन सर्किट आपका क्लोज करोगे, सर्किट के अंदर करंट डेवलप हो जाएगा एंड देन यू विल प्रेस के वन, फिर आप गैल्वेनोमीटर के की क्लोज करोगे जस्ट टू रिकॉर्ड द डिफ्लेक्शंस, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये सर्किट डायग्राम आपको आपके बुक में बनाना है, सो प्लीज पॉज दिस एंड मेक दिस सर्किट डायग्राम, ओके। सो ये दोनों आपके रेशियो आर्म्स हुए, अच्छा, एंड ये जो है दिस इज दैट रेजिस्टेंस जो आप वेरी कर सकते हो, एंड बी एंड डी के बीच में आप आपका अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस, वो कनेक्ट करोगे, ठीक है। आपको हमेशा ये एंड इसके बाजू में आपको ये बनाना है ताकि आपको इन दोनों में सिमिलैरिटीज समझ में आ जाए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके फाइन। कि बिफोर वी गो ऑन टू कलर कोड, पोस्ट ऑफिस बॉक्स ना अलग अलग जगह पे अलग तरीके से भी दिया होता है, जैसे दिस इज ऑल्सो अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सी दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, पी एंड क्यू आर योर रेशियो आर्म्स, एक्स इज योर अननोन रेजिस्टेंस एंड ये आर जो है इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। नाउ दिस इज सिमिलर टू दिस, ये देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ए, ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस पी आ रहा है, ए से बी के बीच में ये रेजिस्टेंस पी आ रहा है, बी से सी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू आ रहा है, देखो बी से सी के बीच में रेजिस्टेंस क्यू आ रहा है, ओके। अब सी से एक टर्मिनल, सी जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, तो आप देखो सी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। सी इज कनेक्टेड टू डी एंड इन दोनों के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, तो ये सी है एंड हमारा डी यहां पे है एंड सी एंड डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, सो सी एंड डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस है, तो ये हुआ। अच्छा डी एंड ए के बीच में आर है, तो यहां पे डी आया हमारे पास, यहां पे ए है, तो यू कैन सी दैट दिस इज योर आर, ठीक है। सो जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, आपने जो बनाया आप उसके साथ कंपेयर करो तो आर ऐसा ही था, दिस इज आर। अब बी एंड डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो बी से जो एक वायर निकलती है यहां पे की है, आप जैसे ही ये की प्रेस करोगे बी जो है इसको कनेक्टेड है, तो ये की प्रेस करोगे तो बी जो है वो इसको कनेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका जो गैल्वेनोमीटर है, सो इफ यू कंसिडर दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो की ओपन है, तो आप जब भी की प्रेस करोगे तो आपका सर्किट ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो जाएगा, तो एज यू कनेक्ट दिस, सो देखो बी व्हेन यू प्रेस की के टू, बी विल देन बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो ए इज कनेक्टेड टू दिस की एंड दिस की इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो आप जैसे ये की को क्लोज करते हो, के वन को क्लोज करते हो, तो ये के वन जो की है ना वो यहां पे होगी ना, आप जैसे ही इस की को क्लोज करोगे आपका करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सब फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज पहले आप ये की क्लोज करोगे जो बैटरी वाली कनेक्टेड की है ताकि करंट डेवलप हो जाए, एंड देन फिर आप ये सेकेंड की क्लोज करोगे गैल्वेनोमीटर की, फिर आप क्लोज करोगे, ओके। पहले ये क्लोज की एंड फिर ये क्लोज की, तो क्या होगा कि सडनली गैल्वेनोमीटर से बहुत करंट पास होगा तो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, वी विल सी बैक ईएमएफ क्या होता है जब हम लोग इंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, बट आपको हमेशा ये याद रखना है कि पहली जो की क्लोज होगी वो बैटरी वाली होगी एंड फिर जो की क्लोज होगी वो गैल्वेनोमीटर वाली होगी, ठीक है फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ओके।
अब हम लोग जाएंगे कलर कोड पे. नाउ व्हाट इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस. सी रेजिस्टर्स जो होते हैं ना बहुत ही छोटे होते हैं. अब हमें जो रेजिस्टर की वैल्यू मिली जो पिछले इसमें दैट वाज 5.47. अब आप खुद ही देखो कि ये नहीं दिख रही है ना उतनी अच्छे से आपको. अगर जो ये रेजिस्टर्स इतने इफ यू हैव सीन द रेजिस्टर यू वुड नो कि दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. एंड उस पर अगर जो आप ये दिखने जाओगे तो वो लेजिबल ही नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्लियरली. तो इसलिए तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हो. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज हम लोग रेजिस्टर जो होता है ये रेजिस्टर के ऊपर चार कलर्स चार बैंड्स बनाते हैं. ये पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, ये तीसरा बैंड एंड फिर आता है आखिरी में ये एक चौथा बैंड. ओके ये जो पहला कलर होता है दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टर, दिस रिप्रेजेंट्स सेकेंड डिजिट. ओके दिस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लायर एंड दिस लास्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस. ओके ये चार सिग्निफिकेंस, ये चार बैंड्स का ये सिग्निफिकेंस होता है. ओके टॉलरेंस इज बेसिकली द एरर पार्ट. ये आपको बताता है कि रेजिस्टर के वैल्यू में मतलब आपने पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करके वैल्यू मेजर की तो उस वैल्यू में कितनी एरर हो सकती है, दैट इज व्हाट टॉलरेंस टेल्स यू. ओके आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल से आपको ये मैं बता दूंगा. हर कलर के लिए उससे एक एसोसिएटेड नंबर है तो ये आपको याद रखना है. सी आप कैसे याद रखोगे, ये विबग्योर है VBGYOR फिर ब्राउन ब्लैक तो मतलब दैट इज अ पैटर्न. देन यू हैव ग्रे व्हाइट सो हर एक के साथ ये एक नंबर एसोसिएटेड होता है. ओके सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ जाएगा. आपको ये याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. वैसे ही ये जो आखिरी बैंड होता है ना टॉलरेंस, इट हैज ओनली थ्री कलर्स और थ्री पॉसिबिलिटीज. टॉलरेंस कैन बी गोल्ड कलर्ड बैंड, दिस कैन बी अ सिल्वर कलर्ड बैंड और इट कैन नॉट हैव कलर, सो नो कलर. देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर योर लास्ट बैंड और टॉलरेंस बैंड. ओके सो अब सीधा एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स से फर्स्ट कलर इज रेड, सेकेंड कलर इज ऑरेंज, थर्ड कलर लेट्स से इज ब्लैक एंड फोर्थ वन इज दिस वन इज गोल्ड. तो पहला कलर रेड है, फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट, रेड के लिए आप टू लिखोगे. सेकेंड बैंड सेकेंड कलर इज ऑरेंज, ऑरेंज के लिए आप थ्री लिखोगे. सो फर्स्ट डिजिट सेकेंड डिजिट इन टू. अब थर्ड कलर जो है वो मल्टीप्लायर रिफ्लेक्ट करता है, मल्टीप्लायर मतलब 10 to the power something. नाउ 10 to the power आप क्या लिखोगे, ये जो भी कलर है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो लिखोगे. तो ब्लैक के करस्पॉन्डिंग जीरो है तो आप इसको लिखोगे 10^0. ओके एंड गोल्ड आपको एरर पार्ट बताता है, गोल्ड के करस्पॉन्डिंग 5% है सो दिस विल बी 5%. ये आपको कितना आएगा 23 × 10^0. 10^0 इज बेसिकली 1 प्लस माइनस 5%. सो योर रेजिस्टेंस वुड बी 23 ± 5%. ठीक है. अच्छा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मल्टीप्लायर नंबर्स भी होता है तो गोल्ड के लिए इट इज -1, सिल्वर के लिए इट इज -2. ओके सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स सी यू हैव ओके ग्रीन ब्लू गोल्ड नो कलर. फर्स्ट कलर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट, ग्रीन इज 5 ब्लू इज 6. अब आएगा मल्टीप्लायर 10^2. गोल्ड के लिए -1 है तो 10^-1 नो कलर. ये टॉलरेंस होता है, नो कलर इज ±20%. सो 10^-1 मतलब 56/10, दिस इज 5.6 ± 20%. 20% इज द एरर. ओके आप इस 20% को इस टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ये तो परसेंटेज टर्म्स में. सो एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20/100 × 5.6. सो 1 जा 5 जा
So this will be 1.12. Okay. So you can also write the value over here as, आप इस वैल्यू को ऐसे भी देख सकते हो, 5.6 प्लस माइनस 1.12 ओम्स. ठीक है, वी विल डू वन मोर एग्जांपल. ओके, इट इज ब्राउन वॉयलेट सिल्वर सिल्वर. ब्राउन इज फर्स्ट डिजिट सो 1, वॉयलेट 7 सो 17. अब आएगा मल्टीप्लायर 10 रेज टू, सिल्वर इज माइनस 2 सो 10 रेज टू माइनस 2 प्लस माइनस सिल्वर अगेन दैट इज 10%. सो दिस वुड बी इक्वल टू 17/100, 0.17 प्लस माइनस 10% ओम्स. ठीक है, तो ये आया आपको समझ में. नाउ हाउ कैन यू रिमेंबर दिस सीरीज? सो देर इज अ सेंटेंस दैट यू कैन रिमेंबर एंड उससे आपको ये सीरीज याद रह जाएगी, कलर्स याद रह जाएंगे. लेट मी राइट दैट सेंटेंस. आई होप पहले बट आपको ये कलर कोडिंग समझ में आ गया. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट. यहां पे बस आपको ये याद होना चाहिए कि हर बैंड का मीनिंग क्या होता है एंड ये कलर्स ये नंबर्स याद होने चाहिए. ओके, सो आई जस्ट गिव यू अ लाइन, प्लीज रिमेंबर दैट. इट इज बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good watch. अच्छा, एक्चुअल सेंटेंस में वाइफ आता है बट मैं आपको बोलता हूं आप वॉच याद रखो. सो बी इज ब्राउन, नहीं बी इज ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ओके, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ओके, ग्रे एंड व्हाइट. दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस. बी बी रॉय ऑफ, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हैज. सो ऑफ और हैज उतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होते ना, तो उनको छोड़ दो. वेरी गुड वॉच, सो इसमें इसमें आपको याद रह जाएंगे. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर बस आता है गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर होता है -1, सिल्वर के लिए -2. टॉलरेंस 5%, टॉलरेंस 10% एंड नो कलर के लिए टॉलरेंस 20%. नो कलर के लिए यहां पे कुछ नहीं होता. नो कलर सिंपली मींस टॉलरेंस ऑफ 20%. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, सो यहां पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.